सोलन में 49% मतदान हुआ। लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि अर्की में 51%, नालागढ़ में 55%, दून में 51%, सोलन में 44%, कसौली में 40% मतदान हो चुका है, जिसमें महिला पुरुष वर्ग और युवा वर्ग बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। इस मौके पर 90 वर्षीय बुजुर्ग ने कहा कि वे अपने देश के प्रति अपना दायित्व पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए वो अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं कुछ युवतियों ने बताया कि वो पहली बार अपनी वोट डाल रहे हैं और वह चाहते हैं कि उनकी तरह सभी युवाओं को राष्ट्रहित के लिए आगे आकर वोट डालना चाहिए। वहीं किन्नर और दिव्यांग व्यक्ति भी लोकतंत्र में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और लोकतंत्र के महायज्ञ में वह आहुति देने पहुंचे। दिव्यांग अमित ने इस मौके पर संदेश दिया कि वह चुनाव को छुट्टी का दिन समझकर अपने वोट को जाया न करें और जब वह दिव्यांग होने के बावजूद भी उत्साह से वोट डालने आए हैं तो सभी को उनकी तरह अपना कर्तव्य समझकर घर से निकलना चाहिए और वोट डालना चाहिए। ज्ञानचंद भास्कर मेरा नाम है, यहाँ सोलन में रहता हूँ और 90 साल की मेरी उम्र है। अच्छा है, आखिरी बार अपना जो उत्तरदायित्व था उसे पूरा कर लीजिए, भी एक महोत्सव ही है लोकतंत्र का। मैंने पहली बार अपनी वोट दिए, वार्ड नंबर 7 से वोट डाली है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे लगता है सबको, जिसकी भी वोट बनी है उनको अपनी वोट देनी चाहिए, क्योंकि एक यही अधिकार होता है जो हमें हम अपने मर्जी से यूज कर सकते हैं। और हमने 16 वार्ड नंबर 7 से आज वोट दिए फर्स्ट टाइम। आई थिंक सभी लोग जो है उन्हें भी वोट देनी चाहिए, उन्हें अपने अधिकार का सही यूज करना आना चाहिए, जिससे हम अपनी अच्छी सरकार बना सके और देश का विकास कर सके। ओके। आज हमने वोट डाल के आए हैं। डिग्री कॉलेज में हमारे वोटिंग पूल लगा हुआ था, पोलिंग बूथ, वहाँ हम 4 जने थे, दो है नहीं, दोनों डाला हमारा। तो ज्यादा उत्साह मुझे ये था कि भाई मुझे वोट करना है और लोग इसको मात्र एक छुट्टी का दिन समझकर घर पर ना बैठें, और मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी को वोट डालना जरूर चाहिए।